वो स्टॉक्स हम आपको बताते हैं जिनमें आपको सावधान रहना चाहिए, जिनसे जितना दूर आप रहेंगे आपके पोर्टफोलियो की सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बताइए क्या चुना आज आपने? देखिए आज जो पहली कंपनी है वो है आर्कोटेक। एक समय में ये कॉपर में बड़ा नाम होता था इस कंपनी का। एक ये कॉपर कॉइन्स बनाती थी, फॉइल्स बनाती थी और अलग अलग प्रोडक्ट कॉपर के बनाती थी। खैर ये कंपनी अब एनसीएलटी में पहुंच चुकी है, पीएनबी से लेके गए हैं एनसीएलटी में। करीब 392 करोड़ रुपये कंपनी के ऊपर कर्ज है, 60 करोड़ रुपये का ये ब्याज भुगतान करती है और 92 करोड़ रुपये का ये सालाना घाटा देती है। प्रमोटर का हिस्सा जो है करीब 60 से 65% के आसपास का वो गिरवी रखा हुआ है और हायर लेवल्स पे ही ये हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। ये अपने हायर लेवल से करीब 98% फिसल चुका है। 162 रुपये का इसका रिकॉर्ड लेवल था और अब ये करीब करीब 5-6 रुपये, इनफैक्ट 2 से 3 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है। पिछले 4 साल से इनके नंबर्स खराब हैं और खराब में सबसे बड़ी चीज़ कि इनकी जो ब्याज लागत है पिछले 2 से 3 सालों में दोगुनी हो चुकी है। अगर ये 60 करोड़ भरते थे तो वो करीब 120 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है और उसके अलावा कंपनी की निगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ ये परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनकी सिचुएशन सही में बहुत खराब है। कोई भी निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। दूसरा नाम है आंध्रा सीमेंट। ये शेयर को लेकर आजकल बहुत खबरें भी हैं, कोई बड़ी सीमेंट कंपनी से खरीद सकती है इनके प्लांट्स को लेकर। खैर कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर नजर डालें तो 210 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और करीब 3-4 रुपये के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। ऑल टाइम हाई आज का नहीं है, 92-93 जो कि इसने बनाया था और वहां के बाद शेयर कभी चला नहीं। ये 787 करोड़ रुपए, करीब 800 करोड़ रुपए का कर्ज है, 100 करोड़ रुपए का ब्याज भरती है और 180 करोड़ रुपए का घाटा हर साल कंपनी दे रही है। करीब प्रमोटर का 75% हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। सबसे क्रूशियल चीज कि अपने हायर लेवल से 98% वाइप आउट हुआ 200 रुपए के लेवल से, लेकिन अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर वाइज इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। 5 साल से घाटे में है, घाटा 5 साल में दोगुना हुआ है। पहले 90 करोड़ था जो बढ़ के 180 करोड़ रुपए हो गया है। आय इनकी बढ़ रही है, 200 करोड़ की आय थी वो बढ़ के 300 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन घाटा उसके साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा कंपनी पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग घाटे में और करीब -50% के ऑपरेटिंग मार्जिन भी है इनके। तो इनकी सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत वीक है। प्रमोटर का 75% हिस्सा प्लेज है और अगर कोई भी सीमेंट प्लांट खरीदने की खबर आ रही है तो उसे आप अभी अवॉइड करें और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। चलिए ये दो स्टॉक्स थे जिनके बारे में आपको सुमित जी चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, आर्कोटेक और आंध्रा सीमेंट। दोनों लगभग 5 रुपए से नीचे चलते हुए, देखिए आर्कोटेक में तो लगभग आपको 3 रुपए से नीचे का प्राइस देखने को मिल रहा है, आंध्रा सीमेंट लगभग 4 रुपए से नीचे चल रहा है। आज हरा निशान, लेकिन इससे बच के रहें और अगर फिर भी आपको खरीदारी करनी हो इन दो स्टॉक्स में तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें।